नमस्ते। हृदय की बात 41, शांति की खोज, इस विषय पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम थोड़ी बात करेंगे ईश्वर से डरना। हम सब लोग साधारणतः ये वाक्य का प्रयोग करते हैं कि मैं तो बहुत ईश्वर से डरता हूँ, मैं पाप भीरु हूँ, धर्म भीरु हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यह कथन जो है ना, ये इंसान अपनी कमजोरी दिखाता है। यदि हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारा माता है, पिता है, तात है, पालनहार है, फिर वो करुणा निधान है, करुणा सागर है, दयावान है, जो कुछ भी है, हम ये सारी चीज़ें ईश्वर के बारे में कहते रहते हैं। और यदि ऐसा है तो फिर डरना कैसा? हम क्यों कहते हैं कि मैं ईश्वर से डर के काम करता हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? कोई भ्रष्टाचार करे तो उसने डरना चाहिए, कोई अनैतिक काम करे तो भी उसने डरना चाहिए, कोई छोटा बच्चा चोरी करे तो उसने डरना चाहिए। लेकिन ईश्वर का डर भी हम रखते हैं, ऐसा कहते हैं माने, और अनैतिक काम भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, अत्याचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। दुनिया भर के व्रतों का, नियमों का पालन करते हैं, मालाएं पहनते हैं, अलग अलग ग्रहों के नंग अपने अंगूठी में डाल के रखते हैं, दूध पानी ये सारे का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं। लेकिन खुद का स्वार्थ जब आता है तब सारे भ्रष्ट काम हम करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि मैं ऊपर वाले से डरता हूँ। ये तो सरासर झूठ है। और डर से ही हमारी शांति जो है वो भंग होती है। आप डरते हो तो मन में अशांत रहते हो ना, तो इसलिए गलत है चीज। ईश्वर से डरना नहीं चाहिए, ईश्वर से प्यार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। क्या लगता है आपको, सही बात है? सोचिए जरा। धन्यवाद।